आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का मैराथन पार्ट वन। ऑलरेडी वेब टेक्नोलॉजी का मैराथन पार्ट वन और मैराथन पार्ट टू आ चुका है। वेब टेक्नोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बन चुका है। अभी क्या है कि हम लोग मैराथन वीडियो का बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो वेब टेक्नोलॉजी का और भी कई मैराथन वीडियो आने वाला है, उसको दो ही मैराथन सिर्फ नहीं होगा उसमें, ठीक है। अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में इसी तरीके से 25 क्वेश्चन का बात करते हैं, लास्ट में कुछ क्वेश्चन सेट होंगे, सेम पैटर्न एज अ वेब टेक्नोलॉजी, राइट। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, मैं क्वेश्चन पढ़ती जा रही हूँ, तब तक आपको आंसर अपना राइट करके रखो और उसके बाद मैच कराओ और अपने आप को प्लस वन पॉइंट दो, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ सॉफ्टवेयर, पहला ऑप्शन है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस, ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर्स, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ईटीसी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, आप लोग बताओ, ठीक है। इसका आंसर होगा 3। जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन ले ले। ऐसा क्यों है, इसको आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि क्लाउड में आपका डेटा स्टोर रहे, आप वहां से सर्विस भी ले सकते हो एक तरीके से। वो मतलब हर एक कॉन्सेप्ट को यूज करता है, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को, सर्वर के और डेटाबेस को, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट में कि आप कहीं से भी, फ्रॉम एनीवेयर, ऑथराइज्ड यूजर जो होंगे, ऑथराइज्ड यूजर जो होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा को, या फिर इसमें डाल सकते हैं डेटा, ऑथराइज्ड यूजर। एक एग्जांपल देती हूँ, ये आप लोग गूगल ड्राइव यूज करते हो, क्लाउड में आप चीजें डालते हो, तो उसको एक्सेस कौन कर सकता है, उसको एक्सेस भी आप ही कर सकते हो, कोई और एक्सेस नहीं करेगा। एक्सेस वो करेगा जिसको आप वो अथॉरिटी दोगे, क्लियर है। तो जिन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का क्लासेस नहीं किया है, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से, जो कि एनआईसी के लिए प्रॉपरली मेनली बनाया गया है। और जो भी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी सेमेस्टर का हो या फिर किसी एग्जामिनेशन के लिए, तो वो वहां से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, प्लस आप यहां से मैराथन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फटाफट से हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप लोग सोचिए और आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा JCR लैकलिडर, ओके। ये थे फादर, इन्होंने डेवलप किया था क्लाउड कंप्यूटिंग को। इन्होंने कब किया था, जब इनको महसूस हुआ कि मुझे ऐसा एक बनाना है स्टोरेज टाइप का, जिसको मैं अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकूं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था अपने रिक्वायरमेंट के फिर हिसाब से। जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर ले। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, जो आपको किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जहां पे क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी एनआईसी में क्या है कि आप ये सब क्वेश्चन तो कर ही लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, मतलब कि JCR सर ने कब बनाया था, कब डेवलप किया था, उनके दिमाग में ये चीज कब आया था, 1955, 1849, 1995 या 1960। आपको पहले सोचो और आंसर करो। तो इसका आंसर है, प्लस वन ले लेना जिन्होंने सही किया है, 1960s, करेक्ट। और एक बात, वेब टेक के मैराथन में दो बच्चे ने सही आंसर किया है, अमृत ने और सागर सरकार ने, उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। और अभी इस क्लाउड कंप्यूटिंग में जो भी आंसर लास्ट में पूछा जाएगा, आप लोग जरूर कमेंट में उसको डालिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर Amazon? किसी ने नाम सुना है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म Amazon के थ्रू कौन सा है? Amazon ने कौन सा क्लाउड प्लेटफॉर्म को बनाया है? क्लाउड इरा, AWS, Azure या फिर ये तीनों बनाया है Amazon ने? कर लिया आप लोगों ने आंसर? ठीक है, मैच करवाइए। AWS प्लस वन कर लीजिए अगर आपने सही किया है तो। नाम याद रखिएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो दिमाग में रहने वाले हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से सुना होगा तो ही इसका आंसर कर सकता है, इसकी कोई पढ़ाई नहीं है। अगर अभी आपने सुना है तो ये आपको ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग? पहला है सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस या फिर ऑल। क्या होगा इसका आंसर? ठीक है, मैं बताती हूँ। फोर ऑल, जिसने सही किया है वो प्लस वन ले लीजिए। क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के जो फीचर्स होते हैं ये सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करती ही है। क्यों करती है? क्योंकि एक तो ये ऑथराइज्ड पर्सन ही सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर ऑथराइज्ड पर्सन किसी को अथॉरिटी देता है तो एक्सेस हो पाता है। दूसरा है कि हमेशा ये अवेलेबल होता है, आपने क्लाउड में चीजें डाल दी हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए एंड यू कैन फिच। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, बहुत सारा, मतलब लाइक ये छोटा इंटरनेट या फिर एक दो क्लाउड क्या है, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है और ये बहुत बड़ा नेटवर्क का अपने पास एक्सेस रखता है। तो इसलिए ये क्या होगा, ये चारों इसके आंसर होंगे, तीनों इसके आंसर होंगे, आंसर होगा फोर्थ, करेक्ट प्लस वन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? चार ऑप्शन है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर, सॉफ्टवेयर एंड अ सर्विस। इन सब के बारे में ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आंसर बताएं। और जिन्होंने प्लेलिस्ट नहीं देखा एक बार देखिए, आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है। स्ट्रेट आपका प्लेलिस्ट से ही क्वेश्चन है सब। आंसर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, करेक्ट आंसर है इसका ये। अगर आपने गलत किया है तो लाइक आप प्लस वन मत लो, नहीं तो प्लस वन। 25 में देखना है कि कितना आता है सबको। नेक्स्ट है, विच आर द एप्लीकेशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? गूगल जी सूट, पेपल या दोनों या कोई नहीं? सोचिए आंसर। आंसर है इसका बोथ। जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन ले लें। गूगल जी सूट जो है इज द बेस्ट स्टोरेज एंड बैकअप एप्लीकेशन यूज बाय गूगल। ओके, तो ये होगा। पेपल क्या है? पेपल इज एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आपका ये काफी सारा इंफॉर्मेशन एज अ, मतलब इन अ क्लाउड फॉर्म ये अपने पास डेटा में, डेटाबेस में रखता है। ठीक है, हर एक इंफॉर्मेशन इसके पास होता है। तो ये एक एग्जाम्पल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, याद रहेगा, नोट कर लीजिए। जिनको क्वेश्चंस नोट करना है अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कलेक्शन अगर आपके पास होगा तो आप रिवाइज टाइम में भी रिवाइज प्रॉपरली कर पाओगे, या दोबारा प्लेलिस्ट चला करके आप देख सकते हो, फटाफट से चीजें दोबारा से रिपीट रिवाइज कर सकते हो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड, AWS, ड्रॉपबॉक्स या बोथ या नन ऑफ द एबव। तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, अभी लास्ट एग्जाम्पल में देखें कि Amazon जो है AWS, Amazon वेब सर्विस प्रोवाइड करता है, करेक्ट। तो ये तो आंसर होगा ही, नन ऑफ द एबव ये तो होगा नहीं, बोथ हो सकता है, ड्रॉपबॉक्स हो सकता है। तो ड्रॉपबॉक्स भी एक एग्जाम्पल है इसका, तो आपका आंसर क्या होगा, बोथ। सही किया है, प्लस वन ले ले। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज द टर्म इलास्टिसिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू? तो?
कंफ्यूजन हो रहा है क्वेश्चन में तो प्लेलिस्ट एक बार जाकर के जरूर देखिएगा, उसमें पढ़ा दिया गया है. एबिलिटी टू स्केल डाउन पैरेलल बोथ वन और फोर, एबिलिटी टू स्केल अप. इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, खींचना और छोड़ना. तो एबिलिटी टू स्केल डाउन एंड एबिलिटी टू स्केल अप दोनों होगा, तो बोथ वन एंड फोर. जिन्होंने सही किया वो प्लस वन ले ले, ठीक है. नेक्स्ट है, इन क्लाउड कंप्यूटिंग द क्लाइंट इज ऑन विच एंड. क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाइंट जो होता है वो किस एंड पे होता है, बैकएंड में होता है, बैकएंड में काम कर रहा होता है, या फ्रंट एंड में होता है, या डिपेंड्स. तो इसका आंसर ये है कि ये फ्रंट एंड पे होता है. क्यों? क्योंकि ये एक्सेस करता है इसको फ्रंट एंड से बैठ के, ठीक है. जिन्होंने सही किया है वो प्लस वन कर ले. नेक्स्ट है हमारा, टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन से हैं. ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा. टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन कौन से हैं, कितने हैं. आंसर है फोर, ठीक है. और कौन कौन से होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड्स. जिन्होंने नहीं किया है कोर्स कंप्लीट, पहले कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है. आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. चीजें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? कुछ आप अपना रिस्पॉन्स जरूर करें, और जो लोग भी देख रहे हैं आंसर कमेंट में जरूर किया कीजिए. बस सॉल्व करके मत रखा कीजिए आप, मतलब इससे थोड़ा पता चलता है कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप आपके अंदर होगा, और हर बार क्वेश्चन सॉल्व करने की और क्लास करने की एक चाहत भी होगी. क्वेश्चन है हमारा 12th क्वेश्चन, ये सब ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है, आपको बस आंसर करना है. पास स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, ये मैराथन वीडियो भी देख रहे हैं तो बहुत कुछ उनको याद हो जाएगा. प्लेटफॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर, प्रायोरिटी एज अ सर्विस, प्रायोरिटी एज अ सॉफ्टवेयर. पास का क्या फुल फॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सॉफ्टवेयर, प्रायोरिटी एज अ सर्विस, प्रायोरिटी एज अ सॉफ्टवेयर. पास स्टैंड्स फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सही किया है प्लस वन ले लें, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13. द टर्म हाइब्रिड क्लाउड मींस, पहला ऑप्शन है प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या इसमें से कोई भी नहीं. तो इसका आंसर है कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक प्लस प्राइवेट इक्वल्स टू हाइब्रिड, करेक्ट. जिन्होंने सही किया है क्या करेंगे, प्लस वन. अभी तक जो सही करते आ रहे हैं उनको 13 मार्क्स आ गया है 25 में. क्वेश्चन नंबर 14,
SAN stands for Storage Area Network Security Area Network Switch Application Network या Switch as a Network. इसका आंसर होगा स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सही किया है प्लस वन. ठीक है एक्सक्यूज मी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल स्टेप of deployment stage in cloud computing are एक दो तीन चार total स्टेप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट स्टेज इन कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या मतलब कितना होता है. चार होता है प्लस वन जिन्होंने सही किया है उनके लिए. ये था क्वेश्चन नंबर 15. 10 मोर क्वेश्चंस. इसके और भी मैराथन आएंगे. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. Cloud computing is based on पहला ऑप्शन है modulation, specialization, virtualization, multi plexing. बताइए क्या होगा आंसर. इसका आंसर है virtualization. virtualization इसका कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का. मेनली वो इस पर ही डिपेंड करता है. क्वेश्चन नंबर 17. SAS stands for जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो देखते इसलिए जाइए क्योंकि आपको क्या होगा कम से कम बहुत सारे क्वेश्चंस जो याद करने वाले हैं और जो जरूर आएंगे वो आपको याद हो जाएगा. SAS का फुल फॉर्म क्या है. स्केलेबिलिटी एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर. बताइए. ठीक है इसका आंसर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्लस वन. करेक्ट सही किया है आप लोगों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज
दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. What is the most important use of cloud computing? Data storage is the most important use of cloud computing. Data को store करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. इसका security भी होता है, data privacy भी होता है और ये cost effective भी होता है. लेकिन जो top most use उसका होता है data store करना और security भी होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड मोस्ट रिफाइंड क्लाउड सर्विस मॉडल इज, कौन सा मॉडल है क्लाउड सर्विस का जो कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव एंड मोस्ट रिफाइंड है? IaaS, XaaS, SaaS, PaaS, कौन सा है? आप लोग आंसर करो इसका. जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो एक बार जरूर पढ़ें इसको क्लियरली. आंसर आया इसका क्या होगा? ठीक है, जिन्होंने कर लिया है वो इसका आंसर कमेंट में करें. नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं होता है तो मैं आंसर आपको पहले मैं वेट करूंगी स्टूडेंट्स के आंसर का, नहीं तो आप कमेंट से आंसर इसका गेट करो. आइडेंटिफाई द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कौन सा हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन रखता है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में? SaaS, IaaS, PaaS या इसमें से कोई नहीं? आंसर है SaaS. सही किया है, +1. ठीक है, नेक्स्ट है टोटल टाइप्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर्स आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर्स आर, करो इसका आंसर. आंसर है 2, फ्रंट एंड एंड बैक एंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में कितने फेज होते हैं? ऑलरेडी पढ़ लिया है आप लोगों ने. ठीक है, मैच करते हैं आंसर. 3 फेजेस होते हैं. कौन कौन से होते हैं बच्चों? स्ट्रेटजी फेज, प्लानिंग फेज एंड डिप्लॉयमेंट फेज. ये क्या होते हैं? क्लाउड प्लानिंग का फेजेस. ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ SaaS क्लाउड सर्विस, गूगल वर्कस्पेस, ड्रॉपबॉक्स, बोथ, नॉन ऑफ दीज? तो इसका आंसर है बोथ. नेक्स्ट है विच वन इज द फेज ऑफ डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, आईटी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट, बोथ या नन ऑफ दीज? इसका आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन प्लान डेवलपमेंट, +2. जिन्होंने सही किया. कोई भी क्वेश्चन में इशू आया हो और आप कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग का टॉपिक समझना चाहते हो, जैसे कि कोई भी फेज के बारे में या किसी चीज के बारे में क्लैरिटी चाहिए, किसी क्लाउड सर्विस के बारे में चाहिए आपको,
तो उसका कमेंट करना, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें जितने क्वेरीज होंगे ना सबके क्वेरी एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिए जाएंगे कि इसका मतलब ये होता है, इस टर्म्स का मतलब ये होता है। एक क्वेश्चन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ आपको, मीड ऑफ द सेशन में ही एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया गया है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों को नोट डाउन करना है, आई ए ए एस स्टैंड्स फॉर, इंफॉर्मेशन एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्वर। ये एक क्वेश्चन का आंसर करना है और एक क्वेश्चन मिड ऑफ द सेशन में पूछा गया है। इन दो क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में कीजिएगा और कुछ भी टॉपिक में दिक्कत हुआ हो तो वो टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि मेनली उस टॉपिक में होता क्या है। बाद बाकी आप एक बार क्लाउड कंप्यूटिंग का सेशन रीड कीजिएगा और क्लाउड कंप्यूटिंग का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। वेब जिन्होंने वेब टेक्नोलॉजी का मैराथन नहीं किया है वो वेब टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट भी देखें और मैराथन भी देखें। और कुछ भी इशू होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, कहीं से भी कोई फेक न्यूज़ मिल रहा है या फिर कुछ भी है जो इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि क्रॉस वेरीफाई करवाना चाहिए, आप मेरे पास रिसर्च के लिए दे सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।